نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين قابل الاحترام سامعين الكرام 1432 हिजरी जमादिस्सानी है, मई का महीना, आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान मसाजिद के आदाब और एहतराम और मस्जिद की अजमत पर है। अगरचे हर मुसलमान मस्जिद को समझता है, हत्तुल इम्कान उसके एहतराम की कोशिश भी करता है, करनी भी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद को किस तरह रखा, मस्जिद का माहौल किस तरह बनाया, मस्जिद को किस तरह उम्मत के सामने पेश किया, यकीनन एक बहुत बड़ा मौजू है। खुद मस्जिद का लफ्ज इस बात की माजी करता है, इशारा देता है कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का मकाम है। मस्जिद अल्लाह के नाम की सरबलंदी का मकाम है। मस्जिद अल्लाह को राजी करने का मकाम है। मस्जिद अपने वजूद को साफ करने और अपने दिलों को गुनाहों से पाक करने का मकाम है। मस्जिद अपने दर्जात को बुलंद करने और अपने गुनाहों को मिटाने का नाम है। मस्जिद वो मकाम है कि जिससे बंदा रब के करीब होता है। मस्जिद वो मकाम है कि जिसमें अल्लाह अपने बंदे की सुनता है। मस्जिद वो मकाम है जहां बंदा बंदे से मिलके खड़ा होके ये दुनिया को बताता है कि यहाँ तफरीक पैसे के एतबार से नहीं है, यहाँ तफरीक ओहदों के एतबार से नहीं है, यहाँ अल्लाह की नजर में गरीब भी अमीर भी सब एक सफ में खड़े। मस्जिद
और आपको कुरान पढ़ना सिखाया, कुरान सुनना सिखाया, मस्जिद ने मुझे और आपको नमाज पढ़ने का तरीका बतलाया, मस्जिद ने मेरे और आपके बच्चों की तरबियत में एक अहम किरदार अदा किया, मस्जिद मुसलमानों के लिए शियार है, मस्जिद मुसलमानों के लिए ईमान की हिफाजत का जरिया है। मस्जिद कैसे हो? अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिदों में रहने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों से मोहब्बत रखने वाले दरअसल वो अहलुल्लाह है, वो अल्लाह वाले हैं। जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उनके घरों को आबाद करता है। मस्जिद का माहौल मेरी और आपकी पहचान है, मस्जिद से मेरी और आपकी पहचान कयामत तक रहेगी। ये मस्जिद ही है जिसने मुझे लिबास का अंदाज बताया, ये मस्जिद ही है जिसने मुझे बड़ों का एहतराम सिखाया, ये मस्जिद ही है जिसने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया, ये मस्जिद ही है जिसने कुरान को समझने में मेरी मदद की, ये मस्जिद ही है जिसने इंसानियत के एहतराम का दर्स दिया, बच्चों पे शफकत का दर्स दिया। ये सारा दीन जो आपके पास है, जो मेरे पास है, अल्लाह का फजल और अतिया है, ये मस्जिद की बरकत से है। अगर मस्जिदें न होती ये दीन न होता, ये मस्जिदें न होती ये हुस्न न होता, ये मस्जिदें न होती जबान पे कलमा न होता, ये मस्जिदें न होती ये आंखों में हया न होता, ये मस्जिदें न होती जबान पे कुरान की तिलावत न होती। ये मस्जिद की बरकत है। और मैंने पहले भी अर्ज किया, अल्लाह ने सबसे पहली चीज जो आदम की तखलीक के बाद आदम को दिखाई वो सजदा था। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا آدم بن گئے، آدم کو اپنے اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنا لیا، اس کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، آدم اب دیکھنے لگا، آدم اب سننے لگا، آدم اب بولنے لگا، اللہ نے کہا اس کی آنکھوں نے اب دیکھنا شروع کیا ہے، سب سے پہلی چیز جو میں اس کو دکھاؤں وہ اس کی بیوی نہیں، سب سے پہلی چیز جو میں اس کو دکھاؤں وہ جنت کی بہاریں نہیں، سب سے پہلی چیز جو میں اس کو دکھاؤں وہ پہاڑ نہیں، وہ پانی نہیں، سب سے پہلی چیز جو میں اس کو دکھاؤں وہ اللہ کا حکم اور سجدہ ہو، فرشتے سجدہ کر رہے ہو، آدم ان کو دیکھ رہا تاکہ آدم بھی جان لے اور آدم کی اولاد بھی جان لے، کامیابی ملنی ہے تو سجدے میں، عروج ملنا ہے تو سجدے میں، ترقی ملنی ہے تو سجدے میں، رب کی رضا ملنی ہے تو سجدے میں، اور اگر جنت میں پہنچنا ہے تو سجدے کے ذریعے پہنچنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے، جب اپنی زمین کو فرش پہ ٹیک دیتا ہے، زمین پہ رکھ دیتا ہے، یہ مت سمجھے کوئی کہ یہ جھک گیا، عاجز ہو گیا، یہ کمتر ہو گیا، بس زمین اس کی جیسے سجدے میں جاتی ہے اللہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو سجدے میں قیام بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، جلوس بھی اللہ کے لیے، لیکن سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اس سجدے میں اللہ نے فرمایا میں بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اسی سجدے سے مسجد بنی، مسجد کا معنی ہے جہاں سجدہ کیا جائے۔ اور سجدہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، یہی ہے نا سجدہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے اٹھنے کا مقصد، میرے بیٹھنے کا مقصد، میرے کام کا مقصد، میری تلاوت کا مقصد، میرے ذکر کا مقصد، میری نماز کا مقصد، میری قربانی کا مقصد، میرے حج کا مقصد یہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سجدے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری نماز، میری موت، میری قربانی، میرا سارا عمل اللہ کے لیے ہے، کہ میں یہ ساری اعمال ایسے اس لیے بجا لاتا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو سجدے میں سر ٹیک دینا اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔
इसीलिए इसको मस्जिद कहते हैं। तो रब ने आदम को सबसे पहले सजदा सिखाया, हर पैगंबर ने सजदा किया, हर पैगंबर ने नमाज अदा की। हजरत इस्माइल के मुतालिक आया कुरान करीम के अंदर कि वो अपने खानदान को कह रहे हैं यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, अपने खानदान को नमाज का और जकात की तालीम दे रहे हैं। तो नमाज की अदायगी की बेहतरीन जगह मस्जिद है। मस्जिद के अलावा नमाज मजबूरी के लिए अदा की जाती है। घर में नमाज अदा इसलिए की जाती है कि मस्जिद आपसे दूर है, मस्जिद में पहुंचना मुमकिन नहीं। नमाज घर में पढ़ ले, दफ्तर में पढ़ ले, सड़क पे पढ़ ले, और ये भी इसलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की बरकत से ये इजाजत मिल गई। हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने कुछ खासियतें ऐसी अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले नबियों को नहीं अता की गई, और उनमें से एक खासियत यह है वजुअलत लिल अर्ज़ मस्जिदम मतहूरा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ पैगंबर, ऐ मेरे हबीब, मैंने आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए पूरी जमीन को सजदागाह बना लिया है, जहां तुम अपने जमीन को, अपनी पेशानी को जमीन पे टेक के मेरे सामने सजदा रेज हो जाओगे, मैं जमीन के उसी टुकड़े पर तुम्हारे सजदे को भी कबूल कर लूंगा, तुम्हारे रकू को भी कबूल कर लूंगा, तुम्हारे कयाम को भी कबूल कर लूंगा। चुनाचे मस्जिद इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों के लिए शियार बनाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना घर बनाने से पहले मस्जिद बनाई, मस्जिद को संवारा, मस्जिद को इस अंदाज से उम्मत के सामने पेश किया। ये दरसगाह भी है, अस्हाबे सुफा इसी मस्जिद नबवी में सबक ले रहे हैं। ये मस्जिद एक तरबियत का मकाम भी है, सहाबा आ रहे हैं, हुजूर उनकी तरबियत कर रहे हैं, वालिदैन के साथ तुम्हारा क्या सुलूक होगा, छोटों के साथ तुम्हारा क्या सुलूक होगा, बड़ों के साथ तुम्हारा क्या सुलूक होगा, मुआशरे में तुम किस तरह रहोगे। ये मस्जिद ये दारुल कुजा भी है, जहां पर अल्लाह के पैगंबर लोगों के इख्तलाफात में फैसले फरमाया करते थे, फैसले सादर किया करते थे। ये गोया सुप्रीम कोर्ट है मुसलमानों के लिए। ये मस्जिद यही मस्जिद है जहां से जिहाद के लिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा को रवाना करते हैं। यही मस्जिद है जहां पे फिकह की तालीम है, जहां कुरान फहमी की तालीम है, जहां अल्लाह के पैगंबर की सीरत को जानने और समझने की तालीम है। ये मस्जिद सिर्फ दो रकात अदा कर देने वाली जगह नहीं है, ये मस्जिद पूरे दीन का और पूरे दीन की तालीम का जिम्मा अपने अंदर लिए हुए है। इसलिए इसको आबाद करने और इसको कायम करने की तालीम दी गई। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, आपको भी शायद तजर्बा होगा, अभी माजी करीब की बात है, बाज मुल्कों ने मस्जिदों को ताले लगाए, नमाज पे पाबंदी लगाई। नतीजा ये निकला कि वो नस्ल के जिस नस्ल पर ये पाबंदी लग गई थी उसके बाद आने वाली नस्ल दीन से महरूम हो गई। हो सकता है कि उनके वालिदैन ने उनके नाम मुसलमानों वाले रखे हो, लेकिन मेरे दोस्तों आप कभी वस्त एशिया की रियासतों में चले जाएं और कभी अपने पड़ोस में चले जाएं, बाज इलाकों में जहां मुसलमान नाम के हैं लेकिन दीन की रमक उनके अंदर नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि मस्जिद से ताल्लुक टूट गया था, मस्जिद पर पाबंदियां लग गई थी, मस्जिद में दाखिले पर पाबंदियां थी, नतीजतन पूरी नस्ल इस्लाम से दूर हो गई। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाले मोमिन हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो मोमिन है, जो अल्लाह और कयामत पे ईमान रखते हैं, यही मस्जिदों को आबाद करते हैं।
और मस्जिद की अजमत के मुतालिक अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए है। किसी के जहन में ये गुमान ना आए, किसी के जहन में ये फिक्र ना आए कि ये मस्जिद चौधरियों की है, सरदारों की है, खानों की है, पाकिस्तानियों की है, इंडियन की है, बांग्लादेशियों की है। नहीं नहीं, ये मस्जिद किसकी है? अल्लाह के लिए। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, जो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ता है वो बराबर का मस्जिद का मिंबर है। यही तो मस्जिद की खूबी है, यही तो मेरे दोस्तों मस्जिद की खूबी है। चर्चों में जाएं, यहां भी उन चर्चों में क्या होता है, ये फला कम्युनिटी का चर्च, ये फला कम्युनिटी का चर्च है, ये अफ्रीकन चर्च है, ये अमेरिकन चर्च है, ये ब्रिटिश चर्च है। अल्लाह ने फरमाया कोई ये ना कहे ये पाकिस्तानियों की मस्जिद है, ये हिंदुस्तानियों की मस्जिद है, ये जनाब चीनियों की मस्जिद है। नहीं, अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सुन लो, जिसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है ये मस्जिद अल्लाह के लिए है और अल्लाह के मोमिन बंदों को इसके आबाद करने का हक है। कोई इसको कब्जे में नहीं ले सकता। और मैं आपको बताऊं, जो चीज कब्जे में हो ना और वहां नमाज की अदायगी हो उसको मुसल्ला कहते हैं। और मस्जिद कहते ही उस जगह को है, जो डेफिनेशन है मस्जिद की, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ हो और उस पर कोई कदगन और पाबंदी ना हो। नमाज की बाकी पाबंदियां इंतजामी हवाले से तो होंगी और होनी चाहिए, वरना हर बंदा आएगा भांत भांत की बोली बोलेगा, वो ये गलत ये सही, तू करीब वो दूर। नहीं, मस्जिद नमाज की हद तक सबके लिए खुली है, आम है, कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और जिस मस्जिद मर के आने पर पाबंदी हो किसी मुसलमान की या ग्रुप की, वो मस्जिद की डेफिनेशन से बाहर है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदरु मा अल्लाह अहदा, सुनो, मस्जिद अल्लाह की है और मस्जिद है भी इसलिए कि उसमें अल्लाह के अलावा किसी को न बुलाया जाए, अल्लाह के अलावा किसी को न पुकारा जाए, अल्लाह के अलावा किसी के सामने न झुका जाए, अल्लाह के अलावा किसी के सामने रकू न किया जाए, अल्लाह के अलावा किसी के लिए कयाम न किया जाए, वो मस्जिद। इसलिए जब गैर मुस्लिम आते हैं तो हैरानी से पूछते हैं कि यहाँ पे ना कोई खुदा की तस्वीर, ना कोई मुजस्मा, ना कोई सूरत, ना कोई इमेज। मैंने कहा यही तो इस्लाम की खूबी है, इस्लाम सादगी का दीन है और यही सादगी इस्लाम का हुस्न है। मस्जिद की खूबी यह है कि उसके अंदर कोई तस्वीर ना, कोई सूरत नहीं, कोई मुजस्मा नहीं, हत्ता के कोई तहरीरें भी नहीं। मस्जिद में खूबी यही है कि तहरीरें भी नहीं होनी चाहिए। और अगर मुझे इजाजत दे तो मैं ये भी कहूंगा कि कोई कुरानी आयात भी नहीं लिखी हुए होनी चाहिए कि जिन कुरानी आयात पर नमाज में खड़े होकर नजर पड़े तवज्जो बट जाए, उसकी भी इजाजत नहीं। इसलिए ये मस्जिद की खूबी है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद का तसव्वुर दिया उसमें बिल्कुल सादगी सादगी थी। तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर में जो मस्जिद बनी, मस्जिद नबवी, वो कच्ची दीवार खजूर के तनों की बनी हुई। चुनाचे एक बात का ख्याल रखा गया, अकीदे के एतबार से अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की इजाजत नहीं होगी, वरना वहां पे दूसरे मजहब के लोग भी रहते थे, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। और दूसरा, इसकी सफाई का एहतमाम रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद के अंदर थूको नहीं,
एक बदली आया और उस बदली में आके पता नहीं था उसको पेशाब आया, सहन में बैठ के उसने पेशाब शुरू कर दिया। सहाबा इकराम बैठे हैं, देख रहे हैं। जाहिर है ये वो दौर है कि जिसमें मस्जिदों के साथ बाथरूम नहीं हुआ करते थे। चुनाचे एक सहाबी ने आवाज देना शुरू करी, ओ भाई बस 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 बस, तो क्या कर रहे हो मस्जिद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो उसने पेशाब शुरू कर दिया है ना, अब उसको मत रोको, चुप हो जाओ। अब मुझसे सीखो कि ऐसी सूरत हाल में तरबियत कैसे की जाती है, जैसे नामुआफिक सूरत हाल का सामना करना पड़े तो उसमें जज्बात नहीं, उसमें जोश नहीं, होश से काम लेने की जरूरत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो पेशाब से फारिग हो गया, हुजूर ने उसको बुलाया, कहा भाई देखो ये मस्जिदें इसलिए नहीं होती कि इनको पेशाब से थूक से गंदा किया जाए, ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई। सहाबा से कहा तो पानी के डोल ले आओ, बाल्टी ले आओ पानी की, और तभी बहा दो। ये अंदाज़े तबीयत और सफाई का और मस्जिद की खिदमत करने वालों के मकाम का अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो अजान देता है, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उसकी गर्दन को लंबा करेंगे, वो दूर से नजर आएगा कि ये अल्लाह के नाम को दुनिया में सरबलंद करता था। एक औरत उम्मे महजल थी, फोत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम तो सहाबा ने नहीं बताया, जनाजा पड़ा उसकी तकफीन हो गई। हुजूर ने पूछा वो कहां गई, कहा कि फोत हो गई, आप आराम कर रहे थे, नींद में थे, तो हमने आपको जगाना गवारा नहीं किया, मुनासिब नहीं समझा, इसलिए जनाजा पढ़ के हमने दफन कर दिया। और हकीकत भी यह है कि जैसे ही मौत वाक़े हो तो उसमें टाइम ज्यादा लगाने की बजाय जितना जल्दी हो सके उसकी तजहीज और उसकी तकफीन और उसकी तदफीन का इंतजाम किया जाए। तो हमने जल्दी से, उस औरत की खूबी यह थी कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस औरत को इस वजह से याद रखा कि वो मस्जिद की सफाई किया करती थी। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, अब तुमने दफन कर दिया है, मुझे ले चला उसकी कब्र पे, मैं उसकी कब्र पे खड़े होकर उसके लिए बख्शिश की मैं मोहम्मद दुआ कर रहा हूं, इसलिए कि वो मस्जिद की सफाई किया करता था। आज हम तो सफाई करने वालों को कमतर समझते हैं ना, सफाई करने वाला है। अरे भाई, मस्जिद की सफाई करने वाले का भी मकाम अल्लाह के यहां बुलंद है। मस्जिद के लिए जो अजान मस्जिद में अजान देता है और उस अजान की आवाज पर आप मस्जिद में आते हैं, उसका भी मकाम है, और जो नमाज पढ़ाता है उसका भी एक मकाम है। मुसल्ला, इस मुसल्ले को मुसल्ले रसूल कहते हैं और इस मिंबर को मिंबरे रसूल कहते हैं। मस्जिद की हर चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ है। वह अन्नल मसाजिद अल्लाह, तो जहां मस्जिद होगी वहां मिंबर भी होगा, जहां मस्जिद होगी वहां मेहराब भी होगा, जहां मस्जिद होगी वहां अजान भी होगी, जहां मस्जिद होगी वहां सफे भी होंगी, जहां मस्जिद होगी वहां पे अल्लाह का नाम भी होगा, कुरान की तिलावत भी होगी। इन सब की निस्बत, जो सफाई कर रहा है उसकी भी निस्बत, जो अजान दे रहा है उसकी भी निस्बत, और जो नमाज पढ़ा रहा है उसकी भी निस्बत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो जाती है। जैसे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस औरत की कब्र पे खड़े होकर जनाजा पढ़ा, उसके लिए दुआएं मगफरत की, और फिर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो तो मशहूर हदीस आपने सुनी है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन जो शख्स सबसे ज्यादा रोशन होगा ये वो होगा जो सुबह की नमाज में अंधेरे में घर से निकलता है इसलिए कि मस्जिद में जाकर नमाज अदा करे, उस अंधेरे में अल्लाह के घर को आबाद करने की नीयत से जो घर से निकलता है अल्लाह कयामत के दिन सारी इंसानियत के सामने उसके चेहरे को रोशन कर देगा। मस्जिद को आबाद करने वाला, और फिर तालीम दी, कुरान ने खुद जिक्र किया, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल मस्जिद,
कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो खूबसूरती और जीनत के साथ जाओ, कि अल्लाह के घर में जा रहे हो, अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हो, तो जिस बड़ी हस्ती की मेहमानी पे तुम जा रहे हो, जो बड़ी जात के तुम मेहमान बन के जा रहे हो, वो तुम्हारी मेजबान है, तो मेहमान मेजबान की रियायत तो जरूर करता है। दोस्त के घर में जाओ तो सूट देखो कि कौन सा सूट पहनूं, ताजियत के लिए जा रहा हूं तो इस रंग का सूट पहनूं, शादी में जा रहा हूं तो इस रंग का सूट पहनूं, ये खुशबू इस्तेमाल करूं, ये सूट के साथ जूता इस्तेमाल करूं, और मस्जिद में आना हो तो चले रात दिन कपड़ों में गुजारिए, उन्हीं में मस्जिद में चलते नहीं, बल्कि मस्जिद के लिए अल्लाह का हुक्म है खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। किसी भी दोस्त को मिलने के लिए अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि तुम अपनी जीनत इख्तियार करो, नए कपड़े पहनो, नए लिबास पहनो, कहीं भी नहीं दिया। लेकिन जब मस्जिद में आने की बात की तो अल्लाह ने फरमाया खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत छोड़ी कि देखो जब तुम्हें मस्जिद में आना हो और बिलखुसूस जुमा के दिन, तो नहा के आओ, मिसवाक करके आओ, खुशबू लगा के आओ, और अगर थूम या प्याज खाया हुआ है कच्चा, कि जिनकी वजह से आपके मुंह के अंदर बू है, उसके साथ भी मत आओ मस्जिद में। हम तो दो दो तीन तीन दिन एक ही जुराबे पहन के फिर मस्जिद में आते हैं, जहां जहां वो जुराब वाला पांव पड़ता है वहीं वहीं समेल, और जो पीछे बंदा खड़ा होता है उसके लिए सजदे में सांस लेना मुश्किल। मैं और आप अगर मस्जिद की नजाफत का ख्याल नहीं करेंगे तो किसी को तो फरिश्ते थोड़ी आएंगे इस मस्जिद को साफ करने के लिए, या किसी भी मस्जिद को साफ करने के लिए। मस्जिद नजाफत की जगह है, पाकिजगी की जगह है। बल्कि ये गैर मुस्लिम जब आते हैं हम उनको बताते हैं तो एक सवाल उनका ये होता है कि नमाज से पहले वुजू क्यों आप करते हैं, वुजू। तो अल्लाह ने एक चीज ज़हन में डाली जब उन्होंने ये सवाल किया, मैंने कहा दरअसल ये अलामत है बंदा तैयार हो के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के घर में आ रहा है, अपने चेहरे को भी धो के, बाजू को भी धो के, पांव को भी धो के, सर पे मसा भी करके, गोया अल्लाह रब अल्लाह का ये बंदा अल्लाह से ये मांग रहा है, या अल्लाह मैंने अपने जिस्म को, अपने चेहरे को, अपने बाजुओं को धो लिया है, मैंने अपने वजूद को साफ कर लिया है, अब तू मेरे दिल को भी साफ कर दे, अब जो मैं काम कर सकता था या अल्लाह वो मैंने कर दिया, अब मैं तेरे सामने खड़ा हो गया हूं, क़याम तेरे लिए कर रहा हूं, रकू तेरे लिए कर रहा हूं, सजदा तेरे लिए कर रहा हूं, या अल्लाह नफरतों से, बदअमलियों से, गुनाहों से मेरे दिल को भी तू साफ कर। और हकीकत में जाहिर का बातिन पर असर होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स के मुंह से बदबू होती है अल्लाह के नेक बंदे भी, अल्लाह के फरिश्ते भी उससे दूर जाते हैं। इसलिए मिसवाक की तालीम क्यों दी गई, और ये मिसवाक सुन्नत है, और हम में से बेशतर शायद इसको प्रैक्टिस में और इसको अपने मामूल में ना ले आते हो, इसलिए कि ये ब्रश का जमाना है, टूथपेस्ट का जमाना है, सुबह कर लिया टूथपेस्ट, रात को सोते वक्त कर लिया, फिर मिसवाक की जरूरत नहीं पेश आई। कभी कभी ये आखिरी हद में कह रहा हूं, मिसवाक इस नीयत से कर लिया करें कि ये अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है, और इस सुन्नत को अगर हम बहसियत मजमूई छोड़ बैठे तो आने वाली नस्लों ने अगर मिसवाक को बिल्कुल तर्क कर दिया तो उसका गुनाह मजमूई तौर पर हम सब पर होगा। इसलिए अल्लाह के पैगंबर की हर एक सुन्नत को जिंदा रखना और उसको आगे वाली नस्लों तक पहुंचाना ये इज्तिमाई फर्ज है। भले आपके दांत साफ हो लेकिन मिसवाक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो मिसवाक वुजू से, वुजू शुरू करने से पहले की सुन्नत है। बाकी
की अइमा के नजदीक इमाम अहमद इब्ने हंबल के नजदीक तो नमाज की ये सुन्नत है। इसलिए आपने देखा होगा, और जो लोग हज उम्रे पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने जेब में मिसवाक डाली होती है, जैसे तकबीर शुरू होती है वो मिसवाक शुरू करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो हम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, उनके नजदीक ये है कि वुजू की ये सुन्नत। और नमाज के लिए जब आए तो जीनत के अंदर इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है कि तजम्मुल, अच्छे कपड़े, खुशबू लगाना, ये मुराद है खुजू जीनत से। हमारे यहां बात ऐसे होते हैं, नमाज में आ रहे हैं, शर्ट पहनी हुई है वो भी छोटी, पैंट नीचे, पैंट ये शलवार नाफ तक होनी चाहिए, अगर नीचे है तो ऊपर कपड़ा इतना हो कि अगर आप रकू में ये सजदे में जाएं तो पीछे वाली जगह खाली नजर ना आए, नंगी ना हो। और अगर तीन तस्बीह के बकदर नाफ और नाफ के बराबर का पीछे का हिस्सा अगर खुल गया, नजर आ गया, तो नमाज खत्म हो जाएगी। और मैंने ये भी अर्ज किया कि मस्जिद की दीवार पर आयात लिखना या अशार लिखना ये भी मुनासिब नहीं, इसलिए कि जब आप नमाज पे खड़े होंगे आपकी तवज्जो उस तरफ जा सकती है। उलमा ने लिखा है ये मकरूह है, नमाज के अंदर तवज्जो बट जाना ये नमाज की रूह के खिलाफ है। और कुछ हमारे दोस्त तहरीर लिखी होती है शर्टों के पीछे, कुछ जुमले लिखे होते हैं अंग्रेजी में मुख्तलिफ जबानों में, जो पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा होगा उसकी तवज्जो तो आपने ले ली। इसलिए लिबास का ख्याल कि किस तरह हो। और एक और अहम चीज, मस्जिद में जब आप तशरीफ लाएं, मस्जिद बुनियादी तौर पर आराम की जगह नहीं है, पांव धोकर आए, और अगर धुले हुए नहीं है, कोई मजदूर है उसी तरह पसीने वाले लिबास में आ रहा है, तो कोशिश करें कि एक शर्ट या कपड़ा ऐसा रख ले जो नमाज से पहले उसको तब्दील कर ले, नमाज के लिए वो आ रहा है, काम वाला लिबास न पहने जिसके अंदर स्मेल है, या कोशिश करें एक तरफ खड़ा हो जाए। मैं मना नहीं कर रहा कि पहली सफ में ना खड़ा हो, लेकिन जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम प्याज और थूम खाकर आने वाले को मना कर रहे हैं, तो जिस शख्स के पसीने की बू से दूसरे को तकलीफ पहुंचेगी, हो सकता है वो जबान से ना कहे कि भाई आपसे बू आ रही है, लेकिन तकलीफ तो पहुंच रही होगी, या मुंह से बू आ रही है, तो एहतमाम करके आए, या पाँव को जुराबे उतार कर साबुन से धो के आए ताकि ना ये कारपेट खराब हो। और इसी तरह मस्जिद सोने की जगह नहीं है। हाँ, जो लोग एहतकाफ की नीयत के साथ आते हैं यहाँ रहने के लिए, वो एक जगह अपनी मखसूस कर ले, इसीलिए ये एक कोने दिए जाते हैं ताकि पूरी मस्जिद ऐसे न लगे कि जनाब ये स्लीपिंग एरिया है, सोने की जगह है, लोग सोए हुए, बल्कि एक तरफ मस्जिद का जो तकद्दस है वो कायम रहे। और ये भी अदब है कि मस्जिद की तरफ पांव करके इंसान न सोए। कुछ हमारे हाँ जो कुछ इलाकों के लोग हैं, शायद लाइनी में या उनके यहाँ शायद एक तस्वुर होगा कि जिस तरह चेहरा किबले की तरफ रुख करना अच्छा है, तो पाँव की भी किबले की तरफ रुख करना शायद अच्छा हो, उनका हो सकता है ये तस्वुर हो, लेकिन अदब यही है। और अगर किसी को किसी ने ऐसा किया हुआ है तो आप उसको नहायत मोहब्बत से, एहतराम से रोक दें, कह दें कि भाई पाँव किबले की तरफ ना करें या कुरान की तरफ ना करें। लड़ना नहीं है, बाज़ लोग हक बात को भी ऐसे कड़वे अंदाज से करते हैं कि अगला आदमी हक बात सुनने की बजाय उसी को रद्द कर देता है, वो शायद उसका नुकसान भी कहने वाले को होगा। इसलिए अल्लाह ने फिरौन के पास जब भेजा हजरत मूसा को तो फरमाया फकूला लहु कौलन लय्यिना, कि भाई बात करना, फिरौन जाबिर है, जालिम है, अल्लाह का नाफरमान है, सरकश है, लेकिन बात उससे भी नरमी में करना। जब फिरौन से नरमी में बात करने का हुक्म है तो अपने मुसलमान भाई से सख्ती में बात क्यों? टुडे माई टॉपिक वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मस्जिद इन द लाइफ ऑफ अ मुस्लिम। इंडीड मस्जिद इज अ प्लेस इन विच अल्लाह सुबहानहू व तआला शावर हिज ब्लेसिंग अपॉन अ बिलीवर।
And Allah subhanahu wa ta'ala has showed the first thing to the Adam alayhi salatu wa salam, it was the sajda. When Allah subhanahu wa ta'ala created Adam, and Allah subhanahu wa ta'ala commanded to his angels, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ. And masjid, with the meaning of its root, the place of sajda. And sajda is an act of the salat in which Allah subhanahu wa ta'ala, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, Allah subhanahu wa ta'ala is closer to the man more than any other action. Indeed, all actions, the qiyam, standing position, going position, prostrating and sitting, these are all for Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah is close to the man when the man goes to the sajda. And Allah subhanahu wa ta'ala has said about masjid, and this is attributed to Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajid lillah. And those who build the masjid, maintain the masjid, and those who come to masjid for the prayer, they are ahlullah, the people of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا كَانَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment, they maintain the masajid. They build the masajid, not else. So Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Masajid is for Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the beauty of the masjid. It is not attributed to some ethnic group or some sectarian group or some any other group. It is attributed to Allah subhanahu wa ta'ala. And masjid, in its definition, it is open for all the Muslims. They should come and pray together, without any differences of background. So Allah subhanahu wa ta'ala said one thing, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. And you should not remember, and you should not remember other than Allah subhanahu wa ta'ala in the masjid. And another important aspect of the masjid is every action and everything, speech and message from the masjid should be for Allah subhanahu wa ta'ala. A person who lost his camel, red camel in the Arabian peninsula, it was an expensive thing. He came to masjid and announced that I have lost camel. If somebody has found, let me know. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Allah will not give you back. Masjid is not built for the announcement. Unfortunately, in some areas of our countries, the masjid is used for the announcement that you can get something in a cheap rate from that places. These kind of announcement we have heard from the masjid. It is not allowed. Only announcement that can be made, that is for Allah subhanahu wa ta'ala, about the dawah activities, about salat janaza, about Eidain, about Juma, that is acceptable. But the announcement for some business, it is not allowed. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, when you hear any kind of announcement about the business or about something that somebody has lost, then you should say, may Allah subhanahu wa ta'ala will not return it to you. لا ردها الله عليك. This is the word in the hadith. And the masjid is a place of cleaning. And here the person who comes, he should have physically clean and spiritually clean. He should not come in the masjid with some hate or some bad things. And he should have good smell. That is why Rasulullah ﷺ asked to use perfume while coming to masjid. And if you have taken garlic or onion, you are not allowed to join the salat if smell are there in your mouth. So these are
the commandments, an instruction that was given from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And masjid is also a center of the education for the deen. And I have mentioned the area where the mosques were closed for some time, and you can observe there one generation they are away from the deen because of the masjid. Masjid was closed, masajid were closed, and they could not learn the deen and salat. And we all, no one can say that he has learned his salat from the books. Every one of us learn salat and manner of the deen from the masjid. So masajid, they are the center of the learning of the deen. They should be respected and honored. And it should be kept clean. And the people who are engaged in maintaining of the masjid, in cleaning of the masjid, they should be also respected. As I mentioned, a woman who used to clean the masjid, she died. And the Sahaba, they took and prayed janazah and buried in Baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he did not see that woman who used to clean the masjid and asked where she is. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was informed that she is buried. Rasulullah said, you should have informed me about her. Then Rasulullah went and prayed janazah on her grave. And that is also indicating the importance of a person who is cleaning the masjid. When cleaning of the filth in the masjid is so important, the cleaning of the hate and bad action, how it was important in the deen. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. We should maintain the masjid as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has asked us to maintain. And masjid is not a place to sleep. And the second thing, at the end I would like to announce masajid in Hong Kong. They are maintained by Board of Trustees. And the people who come to masjid and they are contributing to maintain this masjid. But nowadays, as you are aware, the prices are, everything has gone up. So the expenditure of the masajid also increased. So I would request all Muslim brothers, please contribute and donate as much as you can for the masjid. Jitna aap se ho sake, masjidon ke maintain karne ke liye, masjidon ki abadi ke liye, आप अपना हिस्सा मिलाना चाहें मिलाते रहें. और बिलखुसूस आजकल के दौर में जब महंगाई हो गई है तो मस्जिदों को आपके तमाम उनकी अशद जरूरत है. अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए. वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन.